हेलो फ्रेंड्स आज हम जो बात करने वाले हैं डोडला डेयरी लिमिटेड इस पर्टिकुलर शेयर से लेकर बातें करने वाले हैं क्या इस शेयर को लेना चाहिए क्या बेचना चाहिए अगर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए किसी के पास नहीं है तो क्या करना चाहिए क्या मेरे पास है या किसी और के पास है वो सब चीज़ों से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े जाने इस कंपनी से रिलेटेड कंपनी करती क्या है फंडामेंटल क्या है टेक्निकल क्या है क्या शेयर कह रहा है उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब बेलाइकन को हिटॉल के नोटिफिकेशन कौन करिएगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है चीज़ों को सीखना है और सीखने के लिए क्या करना है सबसे पहले तो वीडियोस में जाके सीखिए बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और इसके अलग अगर इन्हेंस करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को ठीक है वीडियो में तो एक लिमिटेड पार्ट ही समझाया जाता है उसके अलावा सीखना चाहते हो तो देखिए डबल एट सिक्स जीरो नाइन टू सिक्स वन जीरो थ्री सेवन दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए हमारे नाम से और यहां पर बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है किस तरीके शेयर भागते हैं कब भागते हैं क्यों भागते हैं किस लिए भागते हैं ये सारे आंसर अगर जानने हैं हर एक स्टॉक्स के तो यहां पर ये कोर्स कोर्स कर लीजिए दुनिया में किसी भी मार्केट में जाइएगा काम करिएगा इस कोर्स को करने के बाद एक साल का एक्सपीरियंस ले लीजिएगा पैसा आपका खुद बनता हुआ नजर आएगा बीस हजार रुपए का कोर्स है थ्री मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग आपको मतलब हैंड होल्डिंग दी जाएगी स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट्स और इस कोर्स को करने के बाद किसी की आवश्यकता नहीं बढ़ेगी इतना बेहतरीन कोर्स ही आपके लिए डिजाइन किया गया है रिस्क मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशो कब लेना है वो सब चीज व्हाट्सएप ग्रुप है बारह सौ रुपए पर मंथ में हम यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे ऐड हो सकते हो जहां पर एक अच्छी स्टॉक्स आपके सामने यहाँ पर पेश कर दिए जाते हैं और आप देखोगे कि यहाँ पर आज पहले दिया था ये परसों दिया था परसों भागा है 8% आज भागा है 5% ये 20% ये 3.4% ये 4% ये तो यहाँ पर इस तरीके से शेयर भागते हुए नजर आते हैं और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं पोर्टफोलियो थ्री लाख और प्लस एबव है तो आप इन नंबरों को यहाँ पर सेव कर लीजिए कांटेक्ट करिए व्हाट्सअप कॉल मैसेज कुछ भी करिए और हम यहाँ पर बातें करेंगे देखेंगे कि हम किस तरीके से आपके लिए यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं डोड डेयरी से रिलेटेड यहाँ पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो न्यू आईपीओ स्टॉक्स है ओके यहाँ पर पिछली साल ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था आप यहाँ पर जा, जा जाओगे और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो जुलाई 2021 में ये आता हुआ दिखाई दिया था यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1995 में ये कंपनी इनकॉपरेट हुई थी और डोडला डेयरी इज अ इंटीग्रेटेड डेयरी कंपनी बेस्ड इन तेलंगाना तो यहाँ पर हम बात करें जो इसका डोमिनेशन है वो यहाँ पर साउथ इंडिया में ज़्यादा दिखाई देता है और तेलंगाना का यहाँ पर जो स्टेट है वहां पर ज्यादा दिखाई देता है रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ मिल्क मिल्क एंड प्रोडक्ट तो मिल्क और जो डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं उनसे यहाँ पर इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है पांच स्टेट में अभी ये काम कर रहे हैं ओके इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ अवेलेबल फॉर परचेज इन इलेवन स्टेट्स और इसके जो यहाँ पर इट्स प्रोक्योरमेंट इन इस सेंटर्ड मतलब बात करें ये यहाँ पर पांच स्टेट्स में इनकी शायद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी और ग्यारह स्टेट्स में अभी ये काम कर रहे हैं नाइनटी फोर मिल्क यहाँ पर इनके सेंटर्स है प्लांट्स हैं इनके सम ऑफ देयर प्लांट्स आर यहाँ पर आप देख सकते हो इस नाम से यहां पर है और और जानना चाहते हो तो यहां पर देखिए साउथ इंडिया में यहाँ पर ये इनका काम है थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है सबसे पहला तो आपको पता ही है अमूल है ओके मदर डेयरी है फिर यहाँ पर शायद इसका नाम होगा बारह स्टेट्स में यहाँ पर दिखा रहा है ओके okay, मिल्क की बात करें सेवेंट 22% से वहां कर और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से यहाँ पर 23% भी इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई देती है पोर्टफोलियो स्ट्रॉग यहाँ पर जो इनके प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर एक बार क्या करिएगा इनकी वेबसाइट पर आप विजिट करिएगा तो आपको पूरा क्लियर आइडिया डोडला मिल्क एक्चुअली है क्या घी भी बनाती है दही और जितने भी आइसक्रीम्स और मिल्क ये सारे प्रोडक्ट्स दूध से रिलेटेड जितने भी होते हैं ये कब पर्टिकुलर कंपनी बनाती है मिल्क कर्ड घी बटर पनीर इश्ट यहाँ पर इस... स्टैरलाइज्ड फ्लेवर मिल्क बटर मिल्क लस्सी और आइसक्रीम स्वीट्स तो यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर एक पूरा जैसे अमूल और मदर डेरी बेचते हुए नजर आते हैं सेम डोडला डेरी भी यहाँ पर उसी तरीके से काम करती हुई नज़र आती है और युगांडा केन्या और इंडिया में ही इनकी अभी प्रेजेंस है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की तो सब, सब पहले स्मॉल कैप शेयर है चार करोड़ रुपये का मार्केट कैप है थर्टी फोर का पी e. है इंडस्ट्री का फोर्टी थ्री है सस्ता नजर आता होगा बट पी e. के बेस पर कभी काम नहीं करते इस चीज को मैं बार बार यहाँ पर अपनी हर एक वीडियो में रिपीट करता हूँ आर ओ सी आर ओ ई की बात करें तो ठीक ठाक है कुछ खास यहाँ पर नहीं है डेट की बात करें डेट फ्री शेयर है कोई प्लेजिंग नहीं है ओके दस की फेस वैल्यू है और नौ सौ आठ का इसका प्रीवियस आई जो कि इसने तीन चार दिन पहले लगाया था वो यहाँ पर इसका दिखाई देता है मैक्सिम चार्ट पैटर्न देखोगे जब से शेयर आया था एक गिरावट हुई एक बेस क्रिएट किया और अब क्या दिखाई दे रहा है आपको ऑल टाइम हाई की तरफ ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा ईयरली बेसिस पर काम देखोगे इसका तो यहाँ देखिए कंपनी के रिजल्ट भी आए थे अभी कुछ टाइम पहले और शेयर अच्छा खासा भागा भी था तो आठ करोड़ की देखिए सेल्स हाइएस्ट एवर सेल्स थी साठ करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट था ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पर अच्छा है मार्जिन की बात करें ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पर अच्छा है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे ई भी तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि कंपनी अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर रही है इसके अलावा ईयरली बेसिस पे यहाँ पर देखोगे तो पंद्रह करोड़ की सेल्स लगभग तीन करोड़ की सेल्स में बदल चुकी है सत्ता करोड़ का प्रॉफिट 132 करोड़ के प्रॉफिट में बदल चुका है रिजर्व्स की बात करें 913 करोड़ रुपए के आसपास का यहां पर रिजर्व्स है ओके जो कि कभी यहाँ पर पाँच साल पहले तीन सौ छत्तीस करोड़ का हुआ करता था बोरइंग की बात करें बोरइंग ना के बराबर बत्तीस करोड़ की और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि फिफ्टी एट करोड़ रुपीज वर्किंग प्रोग्रेस में खर्च कर रखे हैं और जो कंपनी इस तरीके से वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे खर्च करती है ना यहाँ पर उसके शेयर अच्छे खास से भागते हुए नजर आते हैं आने वाले टाइम में तो इसका फायदा क्या मिलेगा आने वाले टाइम में यहाँ पर जैसे ऐसे वर्किंग प्रोग्रेस का काम होता जाएगा वैसे वैसे इनके यहाँ पर रेवेन्यू और सब चीज़ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी जो कि इस कपर्टी कंपनी के लिए क्या होगा अच्छी बात रहेगी यहाँ पर हम बात कर करें कंपनी के इन्वेस्टमेंट दो करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है पॉजिटिव कैश फ्लो हमेशा रहा है ये चीज़ें क्या दिखाती है जब पॉजिटिव कैश फ्लो होता है ना तो एक चीज़ समझिए कि लॉन्ग टर्म के विजन से यहाँ पर शेयर अच्छा नजर आता है और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है 62.21 टू पॉइंट परसेंट की एफ आई होल्डिंग देखिए जहां पर एक साल पहले जब आज शेयर आया था 4 परसेंट थी

तो सब चीज़ यहाँ पर क्या नज़र आता है अच्छा नज़र आता है ऑन द बेसिस ऑफ़ कंपनी के रेवेन्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ़ यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न एफ आई आई इसका डेटा चार्ट का यहाँ पर किस तरीके से ऊपर जाना अब बात करते हैं यहाँ पर इसके चार्ट की कि यहाँ पर क्या लेना चाहिए क्या बेचना चाहिए उससे रिलेटेड मैं आपको पूरा एक आइडिया देता हुआ नजर आऊंगा बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट वीडियोस को यहाँ पर देखिए ये शेयर बताया था यहाँ पर आप इसका प्राइस देख लीजिए इसका प्राइस देख लीजिए दूसरे जो शेयर बताए उसके प्राइस देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और हमारे बताए हुए शेयर भागते हुए नजर आते हैं ठीक है तो यहाँ पर तो केवल झलक दिखाई जाती है बट अगर साथ में आप काम करोगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जु जुड़ोगे एज वेल एज साथ में काम करोगे तो आपको और अच्छा यहाँ पर प्रॉ यहाँ पर पता चलेगा इसके अलावा इन नंबरों को नोट करके कोर्स कर सकते हैं बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। सबसे पहली बात ये हमारे और हमारे क्लाइंट के पास ये शेयर है इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा कल के दिन में हमने पर ये शेयर को बाई किया था ठीक है और जैसे ही बाई किया आज आप देख सकते हो छह ये शेयर यहाँ पर ऊपर है सबसे पहली बात अगर कोई यहाँ पर शेयर को लेना चाहता है तो एक स्टॉप लॉस रखिएगा सात रुपए के आसपास का ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा दस की डाउन साइड यहाँ पर साफ है ठीक है और दस की और इसके अलावा हम बात करें तो लगभग लगभग बारह तेरह परसेंट तक की यहाँ पर डाउन साइड दिखाई देती है ठीक है और इसके अगेंस्ट में हम टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट यही है नौ सौ चार रुपए का और इसके पहले की अगर हम टारगेट की बात करें तो कभी ये शेयर जब आई पी ओ आया था उस, आ, ओके उस okay, यहाँ पर आप देखोगे तो एक बेस क्रिएट किया हुआ था इसने आईपीओ के टाइम पे और उसे यहाँ पर इसने ब्रेकआउट भी दिया तो ये क्या है ये एक पॉजिटिविटी इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ शो करती है कि यहाँ पर शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है सबसे पहली बात तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है ही नहीं ठीक है बट स्टिल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट होने का चीज़ें ऊपर आई और यहाँ पर आया तो हमने यहाँ पर एक बाइंग बनाई थी अपनी यहाँ पर लेने के लिए और इसके पहले टारगेट की अब बात करें तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर 18% परसेंट के यहाँ पर शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा ये शेयर ठीक है तो यहाँ से भी ये शेयर अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे सकता है और आपके पैसे यहाँ पर आ, बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं थाउजेंड का लेवल तो मुझे दिखाई देता ही देता है ठीक है बट इसके अलावा थाउजेंड के ऊपर भी ये शेयर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है ठीक है तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है सिंपली आपको अपने हिसाब से देखना है हमने आज लिया है कि शायद हमें हम यहाँ पर कल या परसों एग्जिट भी हो जाए तो हमें भी नहीं पता तो हमारे कहने पर हमारे देखने पर कभी भी आपको यहाँ पर लेना नहीं है सिंपली यहाँ पर इंटरटेनमेंट परपज से वीडियो बनाई जा रही है और आपको बताया जा रहा है नॉलेज के परपज से वीडियोज बनाई जा रही है ताकि आप यहाँ पर देख सको तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट चीजों को देखिए सीखिए समझिए ताकि यहाँ पर पैसा बन सके सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस